हमारा जो टॉपिक है आज का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, आज हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, इस पे पहले बात कर लें क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि जो हम फेस कर रहे हैं आज की सिचुएशन कोविड 19 की वजह से, पूरा वर्ल्ड हेल्थ इशू चल रहा है. सो आई थॉट कि वी मस्ट नो, सिर्फ हमारे लिए नहीं और दूसरों के लिए भी, हमसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, आसपास काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिनसे हम ईजिली, बहुत ईजिली बेनिफिट ले सकते हैं और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. आज मोदी जी भी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना है. तो आई थिंक इन सब थोड़े बहुत पॉइंट्स की वजह से हम जानेंगे आज कि क्या स्कीम्स हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है. स्पेशली आज हम चार टॉपिक्स पे बात करेंगे, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना. आज जैसे कि बहुत सारे मजदूर इतने काम को छोड़ के अपने घर लौट रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. मैंने कल जाना कि सिर्फ पुअर पीपल्स या गरीब वर्ग के लोग ही परेशान नहीं हो रहे हैं. कल मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके कुछ फ्रेंड्स जो पुणे और बॉम्बे में जॉब कर रहे थे आईटी कंपनीज में, उनमें भी उनकी भी जॉब छूट गई, उन्हें भी निकाल दिया गया है. तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो मिडिल वर्ग के हों, चाहे वो अपर वर्ग हो या लोअर वर्ग हो, सारी कैटेगरीज के लोग इफेक्ट हो रहे हैं. तो इन स्कीम्स के थ्रू या इन कैटेगरीज के लोग भी, सब कैटेगरी के लोग इनको अप्लाई करके, कुछ लोन अप्लाई करके अपना स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. ये योजना है उन लोगों के लिए जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे ठेले लगाते हैं. आज बहुत सारे लोग अपने काम को छूट गया तो उन्होंने सब्जी स्टार्ट कर ली, सब्जी का ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया, या रोड पे बैठ के कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया, या मिट्टी के बर्तन की बात कर सकते हैं, मटके बेच रहे हैं लोग. ऐसे लोगों के लिए जहाँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 20, 30, 40, 50 हज़ार, 10 हज़ार का लोन अप्लाई करके इस योजना के माध्यम से बेनिफिट ले सकते हैं. अब मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50 हज़ार तक के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसकी एज क्राइटेरिया जो है 18 से 55 साल के लिए है. जो एजुकेशन है इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब नो लिमिट्स है. आप कोई पढ़े लिखे हो नहीं हो, वो गरीब वर्ग के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं इस लोन. अब इनमें जो मार्जिन मनी है, या हम सब्सिडी की बात करें, जो छूट की बात करें, क्योंकि आर्थिक कल्याण योजना या जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है. तो मार्जिन मनी क्या है इसमें, जो सामान्य पुरुष है, जनरल मैन है, उसको 15% तक की छूट. लाइक किसी ने अगर 50,000 का लोन अप्लाई किया है, 15% का उसको लोन इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद उसको छूट भी मिलेगी. इसके अलावा जो BPL, SC, ST, OBC या जो महिलाएं हैं, अदर महिलाएं, उनको 50% तक की छूट. लाइक 50% तो छूट है, बट अप टू 15,000. लाइक अगर किसी ने 30,000 का लोन अप्लाई किया तो उनको 15,000 की छूट मिल जाएगी. सिर्फ उनको 15,000 ही लोन रीपे करना है. अगर उनने 50,000 लोन अप्लाई किया तो भी उनको 15,000 तक की लिमिट मिलेगी सब्सिडी की, जो कि 50% अप टू 15,000 इसमें लिमिट क्राइटेरिया ऐड कर दिया. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस योजना के लिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं, हमारे घरों में काम वाली बाइयाँ आ रही हैं, उनको कुछ उनके घरों में बिजनेस स्टार्ट करवाना है छोटा मोटा, या हमारे कई शिल्पी लोग होते हैं, जैसे आपने बार्बर्स को देखा होगा बाल काटने के लिए, उनको स्टार्ट करना नया बिजनेस, वो स्टार्ट कर सकते हैं. स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हाथ ठेले के लोग हैं, या लोडिंग अनलोडिंग के जो रिक्शा लेने हैं उनको, देर हाथ ठेला वगैरह कॉस्ट जो होती है उनकी सिर्फ 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार में ये सारी कॉस्ट में आ जाती है सारी चीज़ें. तो वो 30,000 का भी लोन अप्लाई करके इन सारी कैटेगरीज को से बेनिफिट हो सकता है. इसके अलावा इसमें जो मेन मेजर बेनिफिट है वो इंटरेस्ट सब्सिडी का भी है. जैसे मैंने पहले बताया कि मार्जिन मनी, लाइक जो सब्सिडी मिल रही है वो 15% मिल रही है जनरल मैन को, और 50% अप टू 15,000 मिल रही है अदर्स को, लाइक BPL वाली कैटेगरी है, SC, ST, OBC, वुमेन्स. इसके अलावा भी इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है इस योजना के सरकार के माध्यम से. जो ब्याज अनुदान जो होता है वो महिलाओं के लिए 6% और पुरुषों के लिए 5% दिया जा रहा है. अब हम बात करें अगर अदर कैटेगरीज के लोगों की, BPL, SC, ST, OBC, तो उनको 30% की छूट मिलती है अप टू 22 लाख रुपीज़ तक.
मीन्स अप टू 2 लाख लिमिट रखी गई है, मीन्स कि अगर आप 10 लाख भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 2 लाख की छूट मिलेगी, और अगर 7 लाख अप्लाई करेंगे तो भी 2 लाख की मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट है मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। इस योजना में हम सेम अमाउंट रहता है, बट ये कृषक उद्यमी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कृषि फैमिली के लिए, या हम उन फैमिलीज की बात करें जिनके पास कृषि भूमि है, उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी या उन वो खुद इस योजना के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और ये योजना स्पेशली कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, लाइक फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, दाल मिल, राइस मिल, मसाला प्रोडक्शन के लिए, बेकरी के लिए। तो कृषि से संबंधित जितने भी इंडस्ट्रीज या छोटी मोटी मिल्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकते हैं वो इस योजना के माध्यम से स्टार्ट किए जाते हैं। ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है जिसमें 60% सेंट्रल का और 40% स्टेट का फंडिंग रहती है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन काम करता है मेनली 5 कंपोनेंट्स पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है और कैसे काम करता है। फर्स्ट है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं SMID लिखा हुआ है। इसको हम हिंदी में जानते हैं सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास के माध्यम से। अब ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार आपके भाइयाँ आती हैं या कहीं ना कहीं आपने ग्रुप में देखा होगा लोग बैठते होंगे, बातें करते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि समूह बनाए जाते हैं। समूह क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। इसके माध्यम से 10 से 15, 10 से 20 लोगों का समूह बनाया जाता है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉल्विंग फंड, उनके अकाउंट खुलवा के रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, जो कि वेरी करता है हर स्टेट टू स्टेट। MP में या सेंट्रल की स्कीम है तो अभी फिलहाल 10,000 हर समूह को रिवॉल्विंग फंड के नाम से उनके अकाउंट में। तो हम सेकेंड पे बात करें जो कि है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इस कंपोनेंट में मेजर मेनली क्या किया जाता है कि जो भी BPL फैमिलीज हैं या जो इनके समूह बनाए गए ये परिवार हैं, इन फैमिलीज का कि जो बच्चे हैं 18 से 55 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं, युवा हैं, स्पेशली युवाओं को फोकस किया जाता है इस कंपोनेंट में, उनको हम फ्री स्किलिंग देते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग सेक्टर में, लाइक मेडिकल हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई हो गया, ये सारे अलग अलग ट्रेड्स हैं जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे। इस कंपोनेंट में NULM काम करता है कि हर BPL फैमिलीज के लोगों को, बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उनको स्किल दिया जाए, और स्किल ट्रेनिंग जो 2 से 3 महीने की होती है, स्किल ट्रेनिंग देने के बाद उनको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। सेम प्रोसेस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में भी, मार्जिन मनी जो आर्थिक कल्याण स्वरोजगार में दी जा रही है वो उसी को लिंक करके हम सब्सिडी भी देते हैं और इसकी इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें जो कि अभी मेजर टॉपिक है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। हम सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है आज की डेट पे, जो लोग प्रभावित हुए हैं वो हैं पथ विक्रेता हैं, या छोटे मोटे गरीब लोग हैं जो रोड पे बेचा करते थे या ठेले पे लगा के बेचा करते थे, उनको इस योजना के अंदर उनको भी सपोर्ट दिया जाता है। आपने देखा होगा कि इस दौर में आपके शहरों में बहुत सारे सब्जी मार्केट अलग जगह पे बनाए गए, अलग अलग जगहों पे डिमार्केशन कर उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको सेटल डाउन किया गया ताकि वो वहाँ पे बेच सके। तो अब इनका क्या कैसे प्रोसेस रहता है NULM के अंदर, सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को उनके ID कार्ड्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होती है NULM के अंदर पे, इनकी ट्रेनिंग के साथ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। लास्ट टॉपिक पे बात करें स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस। अर्बन होमलेस आपने सुना होगा, आश्रय स्थल का नाम सुना होगा। आश्रय स्थल क्या है, हर शहर में नगर निगम के द्वारा आश्रय स्थल संचालित है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस स्कीम NULM के अंतर्गत अर्बन होमलेस लोगों को, लाइक अभी जैसे मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, कई शहरों में उनको रहने का ठिकाना नहीं है, कहीं पे भी सो जा रहे हैं कहीं पे भी, तो ये जो भी SUH होता है शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, या इस COVID-19 के पहले भी जितने भी अनिवासी होते हैं या लोग अपने काम के लिए मजदूर जाते हैं पर उनको काम नहीं मिल पाता, 2-4 दिन वो यहीं भटकते हैं, तो उनके लिए शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस सुविधा
NULM की तरफ से रहती है। ये मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, ये मिट्टी का बर्तन बनाते भी थे और अब स्टॉक में ट्रक भर भर के इनके पास आते हैं और सेल करते हैं। लाइक इनने स्टार्ट किया था सिर्फ 50,000 लोन लेके आर्थिक कल्याण से, वो उन्होंने रीपे कर दिया। इनका नाम है उषा प्रजापति। फिर इनने 1,00,000 का लोन अप्लाई किया और फिर से इनने मिट्टी के बर्तन अटके वगैरह दिए वगैरह मंगवाए और उसको सेल किया। मुरैना में इनकी सेल लाखों में है और इनकी सक्सेस स्टोरी मुरैना तक नहीं सब दिल्ली तक जा चुकी है, दूरदर्शन में आ चुकी है। शी इज़ अ वेरी आई कैन से कि बहुत मेहनती औरत हैं, इनने बहुत काम किया। या सो इन सर्टेन केसेस देयर माइट हैपन दैट द वन हु हैज गॉट द आईडिया and want to start up and he has crossed the age limit of 40. Is there any way to get into these funds? एक्चुअली गाइडलाइन इसलिए क्रिएट की गई क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे युवा उद्यमी, आपने पूछा 18-40 की लिमिट है, क्योंकि जो अमाउंट है 2 करोड़ तक है तो मैक्सिमम जो है वो ज्यादा है, तो वो एज क्राइटेरिया 40 ने इसलिए रख दिया कि आप लास्ट जब तक रीपे करेंगे तो उसके लिए कुछ टाइम होना चाहिए। आपका क्वेरी है कि किसी और किसी 40 के अबव को किसी की रिक्वायरमेंट हो और उनका ऐसा कोई स्टार्टअप का प्लान हो तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। इवन इसमें एक बैंक्स में जब हम बात करते हैं तो वो खुद बैंक के मैनेजर्स या जो भी उनके फील्ड मैनेजर्स होते हैं वो खुद सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बेटा या बेटी 18 के अबव हो चुका है, लाइक आप किसी की बात करें जिनकी एज 50 या 60 हो गई है और उनको कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उनके बेटे 18 से ऊपर हो चुके होंगे तो दे कैन अप्लाई फ्रॉम देयर नेम। आई वाज एंजॉयिंग दिस वंडरफुल सेशन एंड इट वाज रियली एन अमेजिंग, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज आई थिंक फर्स्ट सेशन लाइक दिस। या एग्जैक्टली एंड इट इज वेरी मच नीडेड फॉर द यंगस्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंस एंड देयर आर मेनी एक्चुअली हर्डल्स विद द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स एंड द एंटायर लेंथी प्रोसेस। सो यू हैव जस्ट गिवन इन अ वेरी सिंपल एंड something to be understood in a very easy way. So you have, through your slides, everybody has understood this theme. So I request all the youngsters to, instead of all the time thinking about to be an employee, it's better to get these benefits from the government schemes. The only worries from the bank is very, very rigid and very hard in terms of sanctioning loans. So I request you, please ask the governments, those skilled guys, who are graduate or who have done, you know, the 10th class or 12th or standard, please ask the government to make some leniency in the policies, because it is you people actually when you are coming out with such policies and the important, you know, partner is the bank. If bank is not cooperating, if bank is asking guarantors, if bank is asking collateral securities, then, you know, it is next to impossible to enjoy and get benefit of such, you know, policies from the government. So I request you that please ask government to become little lenient with the, you know, sanction sort of policies from the bank side. Definitely. And it was an amazing knowledge you have shared with our faculty. Thank you very much. God bless you and always be stay in touch and do such type of regular activities. Sure. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. Thank you.